अस्सलाम वालेकुम। आप सबका रुबाज ऑल इन वन किचन में एक बार फिर वेलकम है। आज मैं इफ्तार के लिए आप लोगों को सबसे अच्छी रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, यानी दही बड़े वाले छोले। मतलब सच में ये बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। तो इसके लिए हम सबसे पहले रेडी करेंगे दही बड़े का मिक्सचर। तो बड़े के लिए हमें चाहिए 6 टेबल स्पून बेसन, 4 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टी स्पून नमक और 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा। अब हम इनको सबको एक बोल में मिक्स करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका रुबाज ऑल इन वन किचन में एक बार फिर वेलकम है। आज मैं इफ्तार के लिए आप लोगों को सबसे अच्छी रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, यानी दही बड़े वाले छोले। मतलब सच में ये बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। तो इसके लिए हम सबसे पहले रेडी करेंगे दही बड़े का मिक्सचर। तो बड़े के लिए हमें चाहिए 6 टेबल स्पून बेसन, 4 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टी स्पून नमक और 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि एक थिक पेस्ट बन जाए। ये देखें, आपको समझ आ गया होगा ये कितना थिक है। अगर आपको पानी की क्वांटिटी पता करनी तो 3 to 4 टेबल स्पून, इससे ज्यादा तो मैंने डाला नहीं। अब हम इसकी ना बड़े बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है और तेल हमारा गर्म हो गया होगा, तब हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसमें बैटर। अगर आपको पूरे और बड़े चाहिए तो थोड़ा और ज़्यादा बैटर एक साथ डाल दीजिएगा। ये देखिए, मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है। अब ये थोड़ा कलर चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन हो जाए कलर, तो हम इसको ठंडे पानी में, बिल्कुल ठंडे पानी के अंदर हम इसको डायरेक्ट डाल देंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से ये फूले भी हैं, कलर चेंज हो गया है। पत्ते से तेल निकाल लेंगे इसका। अब हम इसको, ये देखिए ये हमारा ठंडा पानी है, हम इसको इसमें डाल देंगे। जो हमने बड़े डाले थे इसमें पानी में, अब हम इसको ऐसे निचोड़ेंगे पानी से, पानी निकालेंगे और इसको ऐसे बाहर निकाल के रखेंगे। इसी तरह हम करते जाएंगे। तो अब हम छोले प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 कप छोले, साथ में 1 कप इमली और गुड़ का पल्प। इसके अलावा लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून बेसन, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्चें, 1 टी स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्चें और 1 टेबल स्पून प्लस 1/2 टेबल स्पून धनिया और पुदीने का पेस्ट है। धनिया और पुदीना ले लीजिएगा, उसको आप ब्लेंड कर लीजिएगा, पीस लीजिएगा, तो फिर ये पेस्ट रेडी हो जाएगा। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को पल्प में डालेंगे। ये कॉर्नफ्लावर है, बेसन, हरी मिर्चें, धनिया पुदीने का पेस्ट, नमक और लाल मिर्च। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर इसको पकाएंगे। ये देखिए, मैंने 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब इसके अंदर हम अपना ये सारा पेस्ट डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। और 2 मिनट तक, जब तक जोश नहीं आ जाता तब तक हम इसमें छोले नहीं डालेंगे, फिर हम इसमें छोले डाल देंगे। ये देखिए, ये हमारा बैटर थिक होने लग गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप वाटर और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अब
और हम हमारे सारे छोले डाल देंगे इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो गए, अब हम इसको 2 मिनट पकाएंगे, ये थोड़ा थिक हो जाए तो हम इसको बंद कर लेंगे। और अब हम हमारे दही वाला बैटर रेडी करेंगे। ये देखिए मैंने आधा किलो दही लिए, इसको हम अच्छे से बीट करेंगे, इसको इतना बीट करेंगे कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। देखिए कैसे स्मूथ हो गई है, बिल्कुल लम्स नहीं है इसमें कोई। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 2 टेबल स्पून चीनी डालेंगे, उसके बाद इसको और अच्छे से फेटेंगे और हमारी जो चीनी है ना वो बिल्कुल दही के अंदर मिक्स हो जाए। फास्ट फास्ट ये देखें, ये हमारे छोले जो हमने अभी बनाए थे आपके सामने, अब इसको हम इसके अंदर डाल देंगे सारा अच्छे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें ये जो हमने बड़े प्रिपेयर किए थे ये मैंने बाउल में डाल दिए, अब हम इसके ऊपर हमारे छोले डाल देंगे इस तरीके से। गल गए, अब हम इस पर डाल देंगे हमारी पापड़ी, इसको क्रश कर लें ऐसे। रेडी हो जाती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ ही बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो देखने का सबसे पहला मौका मिलेगा। साथ ही मेरी हर वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसे लगती हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।